हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 11 बिजनेस स्टडी का सेकंड चैप्टर, जो कि है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, एक टॉपिक टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म डिस्कस करने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ पार्टनरशिप क्या होता है, उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स, उसके फीचर्स डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देख लें, ताकि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, यानी कि एक जो फॉर्म है वो कितने तरीके की हो सकती है एक पार्टनरशिप में। तो वो होती है मेजरली दो तरीके, तीन तरीके से, पार्टनरशिप एट विल, फिक्स पीरियड पार्टनरशिप एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। सो वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं पार्टनरशिप एट विल पे। इट इज फॉर्म्ड फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड। ये पार्टनरशिप कैसे बनती है? ये पार्टनरशिप इनडेफिनेट पीरियड के लिए होती है, यानी कि कोई फिक्स पीरियड नहीं होता। जब तक पार्टनर्स चाहें तब तक वो पार्टनरशिप में रह सकते हैं, इसीलिए इसको विल कहा गया है। विल मतलब होता है अपनी मर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टनरशिप जो होती है वो पार्टनर्स की अपनी मर्जी से होती है, और जब भी कोई पार्टनर चाहे वो पार्टनरशिप छोड़ना, तो बिल्कुल वो नोटिस देकर पार्टनरशिप छोड़ सकता है। उस केस में ये पार्टनरशिप फिर बंद हो जाती है, क्योंकि एक पार्टनर आपका हट गया, ठीक है। तो ये बिल्कुल विल के हिसाब से, यानी इनडेफिनेट पीरियड के लिए होती है, और पार्टनर्स की इच्छा से होती है कि जब तक वो चाहें तब तक पार्टनरशिप रहे। आते हैं सेकंड पे, फिक्स पीरियड पार्टनरशिप। इट इज फॉर्म फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, से 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स। यहाँ नाम से ही है कि फिक्स पीरियड के लिए ये पार्टनरशिप फॉर्म होती है, चाहे 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 15 साल, जैसा पार्टनर्स की जैसी जैसा मन हो, जैसा वो जरूरी समझे, उस हिसाब से फिक्स पीरियड के लिए वो पार्टनर्स बनते हैं, ठीक। दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप इज ऑटोमेटिकली गेट्स टर्मिनेटेड। ये अपने आप ही टर्मिनेट हो जाती है, अपने आप ही ये पार्टनरशिप एंड हो जाती है उस पीरियड के बाद जो कि कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होता है, जो कि एग्रीमेंट में मेंशन होता है सारे पार्टनर्स के बीच। अगर उन्होंने कह दिया कि 3 साल तक हम पार्टनरशिप में रहेंगे, तो अब जब 3 साल ओवर हो जाएंगे तो वो पार्टनरशिप अपने आप ही टर्मिनेट हो जाएगी, अपने आप ही वो पार्टनरशिप फॉर्म खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके एग्रीमेंट में ये 3 ईयर ही मेंशन थे। अब आते हैं थर्ड पे, जो कि है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। इट इज फॉर्म टू कैरी आउट पर्टिकुलर वेंचर और प्रोजेक्ट। व्हेन प्रोजेक्ट गेट्स ओवर, द पार्टनरशिप इज ऑटोमेटिकली गेट डिसॉल्व। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप पर्टिकुलर वेंचर, यानी किसी कारण से या किसी प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए एक साथ पार्टनरशिप में आए हैं, और जब वो काम पूरा हो जाएगा तो पार्टनरशिप अपने आप खत्म हो जाएगी। पर्टिकुलर मतलब होता है किसी एक चीज के लिए निर्धारित तरीके से आप किसी चीज में पार्टनरशिप में उतर रहे हो, एक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उतर रहे हो, और जब वो प्रोजेक्ट का काम हो जाएगा तो अपने आप पार्टनरशिप आपकी खत्म हो जाएगी। तो इसको हम पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहते हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म है ये। अब नेक्स्ट है, इसमें हम और चीज भी पढ़ते हैं कि पार्टनरशिप मेजरली लाइबिलिटी के बेस पर, लाइबिलिटी मतलब होता है कि जब कोई डेब्ट वगैरह कंपनी पर है तो उसको पे करने के लिए कौन पार्टनर कितना लाइबल है, या कौन पार्टनरशिप कितना लाइबल है, उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप बेस्ड ऑन लाइबिलिटी। तो इसमें आपकी 2 तरीके की लाइबिलिटी हमने पढ़ी है, लिमिटेड और अनलिमिटेड। तो बिल्कुल आपकी ये 2 पार्टनरशिप भी उसी पे बेस्ड है। सबसे पहला है जनरल पार्टनरशिप। इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप लाइबिलिटी ऑफ एवरी पार्टनर इज अनलिमिटेड। इस टाइप की पार्टनरशिप में हर एक पार्टनर की लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब कि सारे के सारे पार्टनर्स जो हैं वो एक फर्म के ऊपर अगर डेब्ट होता है, किसी तरह का लोन चढ़ता है, तो उस केस में अगर कंपनी के एसेट्स या कंपनी के सारे का सारा कैपिटल मिला के वो डेब्ट पूरा नहीं हो पाता, पे ऑफ नहीं हो पाता, तो पार्टनर्स को अपनी पर्सनल एसेट्स भी फर्म में उस लोन को पूरा करने के लिए लगा देनी पड़ेगी। तो इसे हम अनलिमिटेड कहते हैं। तो बिल्कुल जनरल पार्टनरशिप में हर एक पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। एवरी पार्टनर एक्टिवली पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। अब जब सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन होगा वो भी सारे पार्टनर्स का एक्टिवली होगा। बिल्कुल हर पार्टनर चाहेगा कि बिजनेस डूबने ना पाए, क्योंकि अगर बिजनेस डूबा और लोन पूरा नहीं हो पाया तो अपने घर की प्रॉपर्टी बेचकर उसे पैसे पूरे करने पड़ेंगे। तो बिल्कुल सारे पार्टनर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं बिजनेस के काम में। देन आते हैं इन इंडिया ऑल पार्टनरशिप्स आर ऑफ दिस टाइप ओनली। इंडिया में मेजर तरीके से इसी टाइप की पार्टनरशिप को फाइंड आउट किया जाता है, मतलब इंडिया में ज्यादातर इसी टाइप की पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है।
आते हैं नेक्स्ट पार्टनरशिप में, जो कि है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो नाम से ही है कि लाइबिलिटीज क्या होंगी, लिमिटेड होंगी, बट इट हैज अ कंडीशन। पढ़ते हैं, लाइबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर्स आर लिमिटेड एक्सेप्ट वन। सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी एक्सेप्ट वन, यानी एक पार्टनर की लाइबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। ये कंपलसरी है कि सारे पार्टनर्स की अगर लाइबिलिटी लिमिटेड है, आप ऐसे पार्टनरशिप चला रहे हो जिसमें सबकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, तो कोई ना कोई एक पार्टनर ऐसा जरूर होगा जिसकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी। दूसरा यहाँ पे है टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर इन द पार्टनरशिप फर्म, यानी कि ये जो लिमिटेड पार्टनर्स हैं इनका शेयर कितना बनेगा बिजनेस में, जितना कैपिटल ये लेकर आए थे या जितना शेयर इनका, जितना दावेदारी इनकी बिजनेस में बनती है, बस उतने तक ही ये लाइबल हैं फर्म में। अदरवाइज बाकी इनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के लोन वगैरह कंपनी का पूरा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बाकी पार्टनर्स को। लेकिन जो एक पार्टनर जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, तो वो पूरी तरीके से कंपनी के डेब्ट्स वगैरह के लिए लाइबल है। इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं नोटिसेबल, उन्हें भी देख लेते हैं। द पार्टनर्स विद द लिमिटेड लाइबिलिटी आर नोन एज स्पेशल और लिमिटेड पार्टनर। जिन पार्टनर्स की लाइबिलिटी यहाँ पे लिमिटेड होती है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है, स्पेशल या फिर लिमिटेड पार्टनर्स के नाम से जाना जाता है। दूसरा, स्पेशल पार्टनर डू नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। जो ये स्पेशल पार्टनर होते हैं, यानी जिनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, ये पार्टनर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते मैनेजमेंट में। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि वो पार्टनर तो हैं, कोई काम होगा तो उसमें वो काम को तो करेंगे, एग्रीमेंट्स वगैरह पूरे भी करेंगे, जो एक मैनेजमेंट में जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है उन सबको करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो केवल तमाशा देखेंगे पार्टनरशिप में, नहीं, वो सब जगह काम करेंगे। बट अगर देखा जाए तो होल सोल रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, वो एक पार्टनर होगा जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। कोई भी डिसीजन मेन लेना होगा तो उस एक अनलिमिटेड पार्टनर की मंजूरी के बिना कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाएगा। ये सारे के सारे स्पेशल पार्टनर्स मिलके भी वो एक डिसीजन नहीं ले सकते अगर वो अनलिमिटेड पार्टनर एग्री नहीं करता है तो, क्योंकि सबसे ज्यादा रिस्क वही बियर कर रहा है। तो बिल्कुल उसका डिसीजन लास्ट डिसीजन होगा। बाकी पार्टनर्स जो हैं वो फॉर्म में अपना एज अ हेल्पर, या कहा जाए कि एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, वहां एज अ रिस्पॉन्सिबल पार्टनर काम कर सकते हैं, तो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। दूसरा आते हैं, दे हैव राइट टू इंस्पेक्ट अकाउंट्स। इन पार्टनर्स को अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करना इनके लिए मंजूर होता है, इनको राइट मिलती है कि अकाउंट्स वगैरह अगर कंपनी के देखना चाहते हैं तो बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि आखिर कैपिटल तो इन्होंने भी कॉन्ट्रीब्यूट की ही है, पैसा इन्होंने भी लगाया ही है, तो बिल्कुल अकाउंट्स को देखना, अकाउंट्स को मॉनिटर करना, ये राइट इनके पास होता है। देन आते हैं, दे कैन विदड्रॉ देयर पार्टनरशिप व्हेन दे डिजायर। सो स्पेशल पार्टनर्स बिल्कुल जबरदस्ती लाइबल नहीं होते बिजनेस पे, अगर वो पार्टनरशिप छोड़ के जाना चाहें तो वो बिल्कुल जा सकते हैं। सपोज ए बी सी डी पार्टनर्स हैं, उनमें से सी जो, उसमें जो डी है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर है, बाकी सब लिमिटेड लाइबिलिटी यानी स्पेशल पार्टनर है, उनमें से कोई भी छोड़ के जाना चाहे, ए बी सी में से कोई भी बिजनेस छोड़ के चला जाना चाहे तो बिल्कुल जा सकता है। देन आते हैं नेक्स्ट, डेथ, इनसॉल्वेंसी और इनकैपेसिटी ऑफ स्पेशल पार्टनर्स विल नॉट अफेक्ट एग्जिस्टेंस ऑफ फर्म। एक चीज और है कि ये जो स्पेशल पार्टनर्स हैं, अगर ये कंपनी छोड़ के चले जाते हैं, इनमें से किसी की डेथ हो जाती है, इनसॉल्वेंसी यानी दिवालिया हो जाते हैं, बिल्कुल कंपनी में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते हैं, अब इनके पास पैसा नहीं है, इनकैपेसिटी है, कोई भी मिसहैपनिंग हो जाती है स्पेशल पार्टनर के साथ और उसे अपनी फर्म को छोड़ के जाना पड़ता है, तो भी आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है वो वैसी ही चलती रहती है जैसे पहले चल रही होती है। हमने पार्टनरशिप में पढ़ा था, अगर कोई एक पार्टनर भी छोड़ के चला जाए तो पार्टनरशिप को बंद कर देना पड़ता है, फिर चाहे आप नए सिरे से पार्टनरशिप शुरू करें। बट इनके केस में क्या होता है कि अगर ये स्पेशल पार्टनर हैं, यानी इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, तो अगर ये फर्म से चले भी जाते हैं तो भी फर्म की पार्टनरशिप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फर्म जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहेगी। ओके, सो ये कुछ कंडीशंस होती हैं स्पेशल पार्टनर्स के साथ। तो आज हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ टाइप्स ऑफ पार्टनर्स डिस्कस करूंगी, तो आप बिल्कुल वो वीडियो भी जरूर देखिएगा और इससे पहले के भी वीडियोस देखिएगा जिसमें मैंने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एक्सप्लेन किए हैं इन अ इलैबोरेटेड मैनर। आपको मेरे इस वीडियो से कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी सजेशन या कुछ भी आप कहना चाहते हैं, कोई चीज़ क्लियर नहीं है, तो बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें
और मेरे चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और शेयर भी करें. ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.